हेलो फार्मेसी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई विश यू ऑल वेल। आज हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन क्या होते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समर 2001 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज पेनिसिलिन, गिव द लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू पेनिसिलिनिक ग्रुप। मतलब जो जिन पेनिसिलिन ऐसे एंटीबायोटिक की लिस्ट बनाई है जिनमें पेनिसिलिनिक ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, मैंने लिस्ट बना दी है। देखिए, एम्पिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टॉक्सिसिलिन और कार्बेंजिसिलिन। ठीक है, आप ये लिस्ट बना देंगे। नाउ वी कम टू द पॉइंट, व्हाट इज पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे पेनिसिलिन में, आप ये चार पॉइंट लिख दीजिए। चार पॉइंट से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, फर्स्ट इज डिस्कवर्ड, सेकेंड इज सोर्सेज, थर्ड इज स्ट्रक्चर, फोर्थ इज वर्क। ठीक है, फर्स्ट इज डिस्कवर। देखिए, डिस्कवर में हम क्या लिखेंगे, पेनिसिलिन इज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक discovered by Alexander Fleming in 1928 and it clinically used in 1942. आप एक पॉइंट खत्म कर देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेस। तो सोर्सेज में क्या लिखेंगे, इट ऑप्टेन बाय पेनिसिलियम नोटेटम, फर्स्ट इट ऑप्टेन बाय पेनिसिलियम नोटेटम एंड कमर्शियली इज ऑप्टेन बाय पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। देखिए, दोनों नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, पेनिसिलियम नोटेटम एंड दैट इज अ पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ठीक है, आप ये सेकेंड पॉइंट लिख देंगे। नाउ थर्ड, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप लिखेंगे, पेनिसिलिन डिराइव फ्रॉम 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड एंड इट कंसिस्ट, आप लिखेंगे नेक्स्ट में, इट कंसिस्ट बाय बीटा लैक्टम और थियाजोलिडिन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए, बीटा लैक्टम एंड थियाजोलिडिन। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब इन्हीं के पॉइंट है, तो आप यहां से लिख सकते हैं। हम स्ट्रक्चर पर पढ़ चुके हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, वर्क। अब ये कैसे काम करता है, पेनिसिलिन काम कैसे करता है, मतलब ये एंटीबायोटिक है, जब इसका वर्क पूछा कि काम कैसे करता है। देखिए, कैसे लिखेंगे, पेनिसिलिन वर्क आइदर इट किल बैक्टीरिया और सस्पेंडेड देयर एक्शन। मतलब ये या तो बैक्टीरिया को मार देता है या उसके एक्शन को सस्पेंड कर देता है। तो देखिए, इसके आगे आप पॉइंट में लिखेंगे, अटैकिंग द सेल वॉल और अटैक द कोटिंग सराउंडेड द वॉल ऑफ बैक्टीरिया, वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यानी या तो ये अटैक करता है सेल वॉल पर। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि अटैक करता है कोटिंग ऑफ सराउंडेड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के चारों तरफ जो कोटिंग होती है उस पर अटैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरफेयरिंग विथ बैक्टीरियल रिप्रोडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्टिंग सिस्टम, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं बैक्टीरिया, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंटरफेयर करता है या फिर रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, ब्लॉकिंग प्रोटीन सिंथेसाइज और ब्लॉकिंग प्रोटीन प्रोडक्शन, मतलब प्रोटीन के जो प्रोडक्शन होते हैं बैक्टीरिया में उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ये चारों पॉइंट से इसको डिस्क्राइब कर देंगे। अब हम आते हैं पेनिसिलिन के बेसिक स्ट्रक्चर पर। देखिए, मैं आपको सबसे पहले पेनिसिलिन जो है वो 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड से लिया गया है, तो मैं सबसे पहले 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड बना देती हूँ। पहले हम 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इसमें एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बीटा लैक्टम की। ओके, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है, ये है बीटा लैक्टम। ठीक है, अब यहां पर आप अटैच कर दोगे, फ्यूज्ड कर दोगे एक रिंग। आपने यहां पर अटैच कर दिया है एक थियाजोलिडिन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये रिंग बना है। ठीक है, और यहां पर आप लिखेंगे NH2, ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपने अटैच कर दिया, नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर देंगे, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये हमारा 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड बन चुका है। देखिए, फर्स्ट 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड ये बन चुका है। ठीक है, अब इसी से हम
आगे के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इससे हम सबसे पहले पेनिसिलिन बना लेते हैं। तो देखिए पेनिसिलिन कैसे बनता है, ये जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं इनको, इसको इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसको बोलते हैं मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और सिक्स अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड इसका नाम है, तो ये पूरा पेनिसिलिनिक एसिड है और सिक्स नंबर पर अमाइनो जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड सिक्स अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड। देखो हमने ये बना लिया, ठीक है, यहां पर हमने एक ग्रुप जोड़ दिया है। देखिए हमने इसमें C और O अटैच किया है और एक R ग्रुप जोड़ा है, ठीक है, पेनिसिलिन में। नाउ ये पूरा बन गया है पेनिसिलिन, ठीक है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। अब ये जो R आपको दिख रहा है इसकी जगह पे हम अलग अलग ग्रुप्स जोड़ेंगे और अलग अलग चीजें बनाते जाएंगे। देखिए कैसे अलग अलग एंटीबायोटिक्स बनाते जाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। ये बेसिकली पेनिसिलिन बन गया है। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए अब हम बनाने जा रहे हैं बेंजाइल पेनिसिलिन। ठीक है, बेंजाइल पेनिसिलिन में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आप बीटा लैक्टम बना लीजिए, आप यहाँ पे बीटा लैक्टम बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थियाजोलिडीन बना लीजिए, ठीक है, ये आपने बना लिया थियाजोलिडीन। अब यहाँ पर ओ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ देखिए एन एच, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ बना दिया। अब जो ये आर ग्रुप है ना इसकी जगह पे आपको क्या करना है, एक बेंजीन रिंग और एक सी एच टू लगा देना है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग और एक सी एस टू लगा देंगे, दैट इज अ बेंजाइल पेनिसिलिन। और इसको बेंजाइल पेनिसिलिन को पेनिसिलिन जी भी बोला जाता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द पेनिसिलिन जी, आप ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसी भी इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ये आपने बना लिया, यहां पर मिटा देती हूँ, दूसरा स्ट्रक्चर बना देती हूँ, नीचे स्पेस कम है, एक बार और बताती हूँ। देखिए सिक्स अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड ऐसे बनता है, नाउ वी कम टू द पॉइंट, पेनिसिलिन पेनिसिलिन ऐसे बनता है और बेंजाइल पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर ये है। अब हम बनाने जा रहे हैं फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ठीक है, मैं यहां बना देती हूँ, देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसलिए मिटा नहीं रही हूं, इसी में बना देती हूँ। देखो आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, देखिए दूसरा स्ट्रक्चर बनाती हूँ फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ठीक है। ये हमने यहाँ पर CH2 और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगाया था, वो क्या बना था हमारा बेंजाइल पेनिसिलिन। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, CH2 तो लगाना ही है, साथ में यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम लगा देना है और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बना देनी है, ठीक है। तो ये फिनॉल है और ये ऑक्सीजन है, तो फिनोक्सी फिनोक्सी ये पूरा हो गया, दैट इज अ फिनोक्सी और मिथाइल और ये पेनिसिलिन। आया समझ में आप लोगों को, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको सबसे पहले बीटा लैक्टम बना लेना है, फिर थियाजोलिडीन बना लेना है, फिर ये पेनिसिलिन का जो ग्रुप है अटैच्ड है जिसकी वजह से पेनिसिलिन कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है वो बना लेना है। और नाउ फिर आपको जो नाम दिया हुआ है उसको यहाँ पर आर ग्रुप में अटैच कर देना है, ठीक है। अब एक ही स्ट्रक्चर बचा है एम्पिसिलिन का, वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। एम्पिसिलिन कैसे ड्रॉ होता है देखिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है,
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अच्छे से ड्रॉ कीजिए, अच्छे से बनाइए, एक एक बॉन्ड और एक एक स्ट्रक्चर का बहुत ध्यान रखिए। अभी तक आप CH2 लगा रहे थे, अब आप CH लगाएंगे, ठीक है, और इस C से एक अमाइनो ग्रुप जोड़ देंगे और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लगा देंगे, ठीक है। इसका नाम, इस स्ट्रक्चर का नाम एम्पिसिलिन है। देखिए लास्ट स्ट्रक्चर जैसे ही हम कर रहे हैं, ये बीटा लैक्टम है, ये थियाजोलिडीन है और ये इसको जोड़ देते हैं तो ये पूरा पेनिसिलिन बन जाता है। एम्पिसिलिन के लिए आपको सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को अटैच करना है, आप ये स्ट्रक्चर, ये ग्रुप्स अटैच कर देंगे तो एम्पिसिलिन ड्रॉ हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, बेंजाइल पेनिसिलिन को पेनिसिलिन जी भी बोला जाता है और फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन को पेनिसिलिन बी भी बोला जाता है। ओके, पेनिसिलिन बी भी बोला जाता है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन बी और एम्पिसिलिन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन और 6-अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड को भी कभी कभी पूछा जाता है। तो पेनिसिलिनिक से रिलेटेड डीफॉर्मेसी में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेनिसिलिन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से इसी स्ट्रक्चर को वापस से समझा सकती हूँ। और जो मेरे वीडियोस देखते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ आपने देखा और आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, स्टडी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।